बचपन में माँ मुझे जब ज़बरदस्ती दाल खिलाती थी तो मेरी समझ में ये नहीं आता था कि दाल खाने और खिलाने पे इतना जोर क्यों देती है। अब समझ में आया कि ये एक सुपर फूड है और प्रोटीन और फाइबर रिच है। बट रोज़ रोज़ एक ही टाइप की दाल खाना बहुत बोरिंग होता है बच्चों के लिए। इसीलिए आप अपने बच्चों को अलग अलग वैरायटीज़ और रेसिपी की दाल दीजिए। आज मैं आपको खड़ी तूर की दाल दिखाने जा रही हूँ, जो कि मैंने मिट्टी की हांडी में तैयार किया है, जिससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी बढ़ जाती है। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में एक कप दाल मैंने धो कर ली है। उसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी मिलाया है। अब इसे मैंने प्रेशर कुक किया है ओनली 3 विसल, बिकॉज यहाँ पर हमारा मकसद है कि दाल खड़ी रहे, यानी कि दाल के अंदर एक दाना रहना बहुत ज़रूरी है। उसे पूरी तरह से मैश नहीं करना है हमें। अब आपने इसमें 1 ग्लास पानी मिलाना है और बिल्कुल हल्का सा मैश करना है, क्योंकि हमें दाल को खड़ा रखना है। इसे साइड में रख दीजिए। यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है और उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। आप चाहे तो असली घी भी ऐड कर सकते हैं। 15 to 20 गार्लिक क्लव्स को मैंने क्रश किया है और ऐड किया है। जैसे ही गार्लिक की खुशबू आने लगे और वो थोड़े गोल्डन हो जाए, तो आप इसमें राई और ज़ीरा ऐड कीजिए, 1/2 टीस्पून, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, थोड़े कड़ी पत्ते। अब इसमें आप ये दाल को मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। थोड़ा पानी ऐड कीजिए आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। क्या आप जानते हैं कि बरसों पहले खाना बनाने के लिए सिर्फ मिट्टी के ही बर्तन का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में ही दिखते हैं। बट साइंटिफिकली देखा जाए तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की जो वैल्यू है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, प्लस इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए मैंने करीब 12 साल से अपने घर में दाल मिट्टी की हांडी में ही पकाई है। आज भी अगर बचपन की बात की जाए तो मुझे याद है कि मेरी दादी हमेशा चूल्हे पे मिट्टी की हांडी में ही खाना पकाती थी। तो क्यों ना आप भी इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखें और अपने घर में एक मील मिट्टी की हांडी में बनाएं। आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और स्वाद भी। जैसे ही दाल में उबाल आ जाए, आप इसमें 2 टेबलस्पून टैमरिन पल्प मिलाइए। इमली का पल्प बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिलाइए वरना नहीं। ऊपर से हरा धनिया डालिए, नमक डालिए और इसे अच्छी तरह मिला के 5 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे पकने दीजिए। 5 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे डिश आउट कीजिए। इसे गर्मा गर्म चावल के ऊपर डालिए और ऊपर से 2 चम्मच असली घी डालिए और उसे गर्मा गर्म खाइए। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसकी खुशबू और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दलपानी।